सर में लिख दोगे, ठीक है सर, रिपीट करने के लिए, ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा आपको पूछ लेना है उसी वक्त, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर किसी की आज फर्स्ट क्लास है तो आप ध्यान दो कि हमारी क्लास जो चल रही है सोमवार बुधवार शुक्रवार, 3 दिन चलती है सप्ताह में, 3 दिन, शाम में 7 बजे से 8 बजे तक, ये आपका टाइम टेबल है। तो अगर किसी की फर्स्ट क्लास है तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पोल सेक्शन के बारे में सभी को पता है, ये बताइएगा, पोल के बारे में सभी को पता है तो चैट सेक्शन में यस लिख के बताइए। किसी को अगर डाउट है पोल के बारे में तो आप अभी पूछ लो, सभी को पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक। तो लास्ट क्लास की चीजें क्या, देखिए अब लास्ट क्लास में तो 11 से 20 तक का टेबल हम लोगों ने किया, मतलब अभी तक हम लोगों ने 1 से 20 तक के टेबल को कवर कर लिया है, सभी को याद होना चाहिए, ठीक है, 3 क्लासेस में यहाँ तक हम लोगों ने। इसके अलावा एक नंबर 25 है जिसकी टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, तो 25 की टेबल भी हम लोगों ने याद की थी, ठीक है, इतना याद होना चाहिए 1 से 20 तक और 25 का टेबल। उसके बाद कुछ गण मतलब गुणन के महत्वपूर्ण नियम, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोगों ने सीखा था। जैसे कि अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको ये पता था किसी भी नंबर में अगर मैं 0 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। किसी भी संख्या में अगर मैं 1 से गुना करूं तो वही वाली संख्या रिपीट हो जाती है ना, वही वाली संख्या रिपीट हो जाती है। इसके अलावा कुछ चीज मैं बताया था कि अगर कोई संख्या में अगर लास्ट में कुछ 0 रहे, जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं 120 के गुना आपको करना है 500 से, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करते हो 12 की 5 से गुना कर दोगे बिना 0 को हटा के, आप बोलोगे 12 और 5 की गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, तो आप यहाँ पर 60 लिख दोगे। उसके बाद बोलोगे सर 1 0 यहाँ पर है और 2 0 यहाँ पर है, तो टोटल 3 0 और आप यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है, तो ये 60,000 आ गया, ठीक है, 6,000 नहीं आएगा, 60,000 आएगा, ठीक है। तो एक आंसर और दीजिए मुझे, अगर मैं बोल रहा हूँ 150 या 1500 इंटू 500 तो इसका आंसर बताइए कितना मिलेगा, 1500 की अगर 500 से गुना करूंगे तो कितना मिलेगा, ये बताइए, ये लास्ट क्लास में सिखाया गया था आपको। 1500 की अगर आप 500 से गुना करोगे, सबसे पहले आप 15 की 5 से गुना कर दो 0 को हटा के, तो 15 की 5 से गुना करोगे तो 15 × 5 = 75 होता है, अच्छा 15 × 5 कितना होता है, 60 होता है क्या, 75 होता है ना, तो 15 की 5 से गुना करोगे तो 75 मिलेगा। टेबल याद रखने है, आपको बोला गया कि टेबल याद रखना है, 75 जीरो कितना लगाओगे, तो आप बोलोगे सर 2 0 यहाँ पर है और 2 0 यहाँ पर है, है ना, 2 0 15 के पीछे, 2 0 5 के पीछे, तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो लगाओगे, तो ये आंसर होगा, क्लियर है इतना, ये समझ में आया कैसे गुना किया, ठीक है। तो अभी क्या करेगी, एक रिकॉल क्वेश्चन आएगा, रिकॉल क्वेश्चन करने का मतलब जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हर दिन इसी तरीके से करेंगे, पहले रिवीजन करेंगे फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो जो लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी उसी पे आधारित, ठीक है। तो कितनी चीजें आपको याद है ये देखने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में दोगे, चैट में नहीं देना है, चैट सेक्शन देखिए देखिए अभी आपका बंद किया जा रहा है, तो आप चैट में भी कुछ नहीं लिख पाओगे, आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। चलिए ट्राई कीजिए इसको, अठारह सौ की अगर मैं 80 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, ये आपको बताना है, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए ए बी सी या डी। देखिए लास्ट में कितना जीरो आएगा, आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है आप गलती कर दो, ठीक है। अभी समय है, कैलकुलेट करिए, देखिए कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी या डी। अच्छा काफी कम आंसर आए हैं अब तक, तो जल्दी से ट्राई कीजिए, सभी लोग आंसर करना, सभी ठीक है, अब काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड और रुकेंगे, अगर अब तक आप आंसर नहीं किए तो 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे।
अभी भी सभी के आंसर नहीं आए। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब देखिए मैं पोल सेक्शन को एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, लेकिन चैट में आंसर तभी देना है जब पोल में छूट जाता है। पोल में जरूर देना है, ठीक है, सभी को पोल में देना है। अब देखिए यहां पर क्या है आपका 1800 मतलब 1800 की 800 से गुना करना, सॉरी 80 से गुना करना। तो मुझे बताइए जीरो को अगर हटा के मैं 18 की 8 से गुना करूं तो कितना मिलेगा? बस 18 की 8 से गुना करके कितना मिलेगा इतना बताइए, नीचे वाले का आंसर बताइए। आप बोलोगे सर ये तो 144 होगा, 144 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 144, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे दो जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ है ना, टोटल 3 जीरो आप इसके पीछे लगा दोगे, ठीक है, 3 जीरो और लगाना पड़ेगा। तो 3 जीरो देखिए कहाँ पर है, देखिए यहाँ भी 144 है, यहाँ भी 144 है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो ऑप्शन सी सही है। इतना क्लियर है, ये बताइए, इतना क्लियर है, यस या नो लिख के बताइए। अगर समझ में आया तो वाई लिखना, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, ऐसे डाउट होना नहीं चाहिए, काफी आसान। अच्छा साहिल के नाम से जो बच्चे हो आपका क्या डाउट है, आप माइक ऑन करके जल्दी से पूछ लो, ठीक है। देखिए अगर आपके डाउट है तो मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ, 1800 की, अच्छा कोई डाउट नहीं, अच्छा डाउट नहीं है तो वाई लिख दिया करो, मतलब समझ में आया तो वाई लिखा करो, ठीक है, डाउट है तो एन लिखा करो, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से ये पजल तो इस तरीके से हम लोग पहले भी किए हैं, तो पजल सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए इस वाले को दो दो का आंसर करना है, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरीके से दो दो करके आंसर दीजिए, ठीक है। यहां पर दिया गया है ए, ए की 3 से गुना करोगे तो 6 मिल रहा है, तो मुझे बताइए ए की जगह पर आप क्या लिखोगे, ए की जगह पर आप क्या लिखोगे, सिर्फ ए का वैल्यू बताइए। तो आप कह रहे हो 2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 × 3 दो की जब मैं 3 से गुना करता हूं तो 6 मिलता है, तो यहां से आप कह सकते हो सर ए का जो वैल्यू है वो 2 रहा होगा, है ना, तो ए की जगह पर 2 लिख दिया। ये समझ में आया कि ए कैसे आया, क्लियर है। अब बताइए बी की जगह पर क्या लिखोगे, बी की जगह पर क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर यहां पर 6 है तो 6 की दो जब 2 से गुना किया तो कितना मिलेगा, 6 की 2 से गुना करने पे आपको 12 मिलेगा, है ना, तो B के जगह पर कितना आएगा, B के जगह पर 12 आएगा, ठीक है, तो B के जगह पर 12 मैं लिख रहा हूँ, कितना क्लियर है, B के जगह पर 12। C के जगह पर कितना लिखिएगा, C के जगह पर बताइए, ए बी तो हो गया, C कितना होगा, तो आंसर आ रहे हैं C के जगह पर 10। C के जगह पर 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 में 5 से गुना करने पे कितना मिलता है, आप बोलोगे सर 2 × 5 कितना होता है, 2 × 5 10 होता है, तो यहाँ पर इसलिए मैं C के जगह पर कितना लिख रहा हूँ, C के जगह पर 10 लिख रहा हूँ, है ना, C का वैल्यू आया हमारा 10, ठीक है, C का वैल्यू 10 आ गया। D का वैल्यू कितना होगा, वेरी गुड, आंसर आने लगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर C में 3 से गुना करने पर D मिल रहा है, मतलब C में 3 से गुना करने पर D मिल रहा है, और C का वैल्यू अभी आपने देखा कि 10 है, 10 में 3 से गुना करोगे तो यहाँ पर 30 मिलेगा, है ना, तो D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 30 है, ठीक है, D का वैल्यू 30, ठीक है। अच्छा देखिए ऐसे भी कर सकते थे, और ऊपर से भी देखो, यहाँ से भी आप करोगे तो D का वैल्यू PC आएगा, देखिए 6 × 5 6 × 5 से भी आप निकाल सकते थे 30, यहाँ से भी आप कर सकते थे 6 × 5 से भी 30 कर सकते थे, और 10 × 3 करके भी तो भी 30 आएगा। E का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ बोल दो 30 की 2 से गुना कर दो, 30 × 2 कितना होगा, 30 × 2 60 होगा, है ना, तो E के जगह पर आप 60 लिखो, तो E का वैल्यू 60 है, ठीक है। या 12 की 5 से भी गुना करके लिख सकते थे, देखो ऊपर से यहाँ 12 है, यहाँ 12 × 5 है, तो 12 × 5 भी करोगे तो 60 आएगा। अच्छा कौन सा समझ में नहीं आया, पवन के नाम से जो बच्चे हो ये बताइए कौन वाला नहीं समझ में आया, ए बी सी डी कौन सा, चैट में लिख के बताइए जल्दी से। सी नहीं समझ में आया, देखिए मैं सी के लिए समझा रहा हूं, ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, ए भी समझ में आ गया ना,
सी को देखो क्या करोगे। ए आपने देखा कि ए का वैल्यू हमारे पास दो है, ठीक है। अब ए का वैल्यू दो है, अब दो में क्या करना है, पांच से गुना करना है। तो दो में पांच से गुना करोगे तो कितना मिलेगा ये बताइए, पवन के नाम से जो बच्चे हो आप बताइए, आपका डाउट इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। दो के पांच से गुना करोगे कितना मिलेगा, दस मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इधर से बढ़ा, एरो नीचे की लगा हुआ है ना, नीचे की तीर लगा हुआ है, तो यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर हमें दस मिलेगा। अब समझ में आया कि सी का वैल्यू दस कैसे लिखा, क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब नीचे बढ़िए, सी में चार मतलब दस में चार से गुना करना है, और दस में चार से गुना करोगे तो एफ मिल जाएगा। तो बताइए एफ का वैल्यू कितना आएगा, दस में चार से गुना कर दो एफ मिल जाएगा आपको, तो दस में चार से गुना करोगे तो चालीस मिलेगा। तो एफ का वैल्यू आप कह दो कि चालीस मिलेगा, तो एफ की जगह पर मैं लिख रहा हूँ चालीस, क्लियर है इतना, ठीक है। अब जी बताइए कितना होगा, जी का वैल्यू कितना होगा, चालीस में तीन से गुना करना है, चालीस में तीन से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, चार के तीन से गुना करोगे आपको मिलेगा बारह, और एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो एक जीरो में यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर लिख दो 120, 120 लिख दिया, ठीक है। अब 120 की आगे बढ़ते हैं इधर, है ना, 120 में एक से गुना करना है, 120 में एक से गुना करोगे कितना मिलेगा, 120 ही मिलेगा, किसी भी संख्या में एक से गुना करना तो काफी आसान है। तो जी की वैल्यू भी 120 आएगी और एच की वैल्यू भी 120 आएगी, ठीक है। अच्छा, एच का वैल्यू एक तरीके से और निकाल सकते थे, एच का वैल्यू देखिए यहाँ पर 60 है, 60 में दो से गुना करके भी तो एच आ जाएगा ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 60 में जब दो से गुना कर रहे हैं तो सर एच आ रहा है, यानी एच का वैल्यू कितना आएगा 120 आएगा, वैसे भी कर सकते थे। कितना क्लियर है, ये पूरा पजल सॉल्व कर लोगे, ये बताइए, ये रहा आंसर आपका, क्लियर। चलिए तो यहां तक ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनना है, तो यहां तक तो हम लोगों ने काफी बेसिक बेसिक चीजें को सीखा, मतलब 1 से 25 तक के टेबल सीखे बेसिकली, उसी पे आधारित कुछ पजल्स किया। अभी से जो मैं पढ़ाने जाता हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, जिस समय भी डाउट होगा आपका चैट सेक्शन में लिखकर मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कैलकुलेशन करने का, गणना करने का कुछ बेसिक नियम्स है, कुछ रूल्स है, तो वो क्या क्या रूल्स है ये देखिए। तो एक रूल होता है बॉडमास रूल, आप सभी ने नाम सुना होगा बॉडमास का नियम, ठीक है। तो बॉडमास रूल क्या होता है, ठीक है, तो इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कुछ परिभाषा नहीं है, सीधे सीधे उदाहरण से ही हम लोग सीखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, 2+2 × 3, तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आंसर कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा, ये बताइए आंसर ए होगा या बी होगा, सभी लोग लिख के बताइए। यहां से आप कुछ नया सीखोगे, ठीक है। तो सभी के आंसर आ गए हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब किसी को चैट में नहीं लिखना है, मैं मना कर रहा हूँ, चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनना है बस। देखिए मान लो दो बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम मैं दे रहा हूँ आर और दूसरे का नाम है बी, है ना, रेड और ब्लू के कारण, ठीक है। अब मैं जब आर को बोल रहा हूँ सॉल्व करने, तो आर देखो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहा है, वो बोला सर 2+2 × 3 लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, 2 और 2 को जोड़ देगा, तो 2 और 2 को जोड़ा कितना मिला, 2+2 = 4, और 4 में 3 से गुना करना है, तो 4 किया कितना होगा, 12 आएगा। और ये बोल रहा है आर कि सर ये वाला आंसर हमारा सही है, तो ये आर का आंसर है, ठीक है। अब मैं जब बी से पूछा, जो ब्लू कलर का है, इससे मैं पूछा कि तुम सॉल्व करके बताओ, तो ये देखो बी इस तरीके से सॉल्व कर रहा है, बी बोलेगा सर लिखा हुआ था 2+2 × 3, ठीक है, तो ये क्या किया, पहले 2 और 3 को गुना किया, आप इस तरीके से लिखा 2+2 × 3 से गुना करोगे आपको मिलेगा 6, और यहां से मिल जाएगा 8, 2+6 = 8। हाँ, नोटबुक में भी करना है, साथ के साथ आप लिखते चलिए, ठीक है। अब जो की पढ़ाई आ रही है काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, है ना, 12 भी आंसर आ रहा है, बी क्या बोलेगा कि सर ये वाला मेरा सही आंसर है। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे ना, या तो आंसर 12 होगा या आंसर 8 होगा। तो अब मुझे बताइए कि कौन सा आंसर सही है, 12 सही है या 8 सही है। तो यहां से आपको ये देखना है कि आंसर 8 सही है। अब अगर मेरे से बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि ये वाला आंसर गलत है, ठीक है,
ये वाला आंसर सही है, तो इसका आंसर क्या हुआ, गलत हुआ, और इसका आंसर सही हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन उठेगा, जब ऐसा मैं बोलूं तो ये जो आर है, ये आर मेरे से पूछेगा कि सर मेरा आंसर क्यों गलत हो गया, पूछेगा ना, जब मैं बोलूंगा कि ये आंसर गलत है आपका, तो ये आंसर क्यों गलत हो गया, तो आंसर इसलिए गलत हुआ क्योंकि एक नियम होता है, ठीक है, और वो नियम क्या है, बॉडमास का नियम। तो दोनों में अंतर क्या था, दोनों सॉल्यूशन को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आर के सॉल्यूशन और बी के सॉल्यूशन में बस एक ही अंतर है कि आर ने पहले जोड़ा, ठीक है, और बी ने पहले गुना किया, है ना। तो पहले जोड़े कि पहले गुना करे, है ना, ये चीज कौन बताएगा, बॉडमास का नियम बताएगा, ठीक है। चलिए सीखते हैं बॉडमास का नियम, सीखते हैं कि क्यों गलत हो गया और करते कैसे। देखिए बॉडमास का नियम कुछ नहीं है, इसमें बस एक अल्फाबेट है बॉडमास, बी ओ डी एम ए एस, ध्यान से सुनना, बी ओ डी एम ए एस, जो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है, मैं भी सारी चीज दिखा दूँ। ओ का मतलब ऑफ होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में का भी कहते हैं, ठीक है। डी का मतलब डिवीजन होता है, मतलब भाग देना। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब गुना कर। ए का मतलब एडिशन होता है, मतलब जोड़ना, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना, ठीक है। तो ये सभी को दिख रहा है, ठीक है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, यह कुछ नहीं गया, बस ये जो आगे वाले अल्फाबेट्स है इसी अल्फाबेट्स को ले लिया गया, ठीक है, बी ओ डी एम ए एस। अब इसका क्या मतलब हुआ, कभी भी आपके पास अगर कुछ नंबर्स लिखे हुए गणित में, कुछ कुछ टूल्स, मतलब जनरली आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस गुना भाग, ये चारों ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होते हैं, ठीक है। अब इन संक्रियाओं में अगर कभी आपसे एक से ज्यादा संक्रिया आपके किसी भी क्वेश्चन में आ जाएगा, तो पहले कौन सा करना है ये आपको बॉडमास बताता है, मतलब जो अल्फाबेट पहले आ रहा है, पहले बी आ रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सोल्व करेंगे, फिर एडिशन सोल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबका सिंबल है ना, ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं, कई बार आप इस तरीके से भी लिखते हो, है ना। ओ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है एक तरीके का, लेकिन इसके बारे में लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी के लिए इसको ओ को नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, एडिशन मतलब जोड़, और माइनस मतलब तो आपको पता है घटा, ठीक है। तो यहां से समझिए, अगर मैं कुछ क्वेश्चन फिर से आपको दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 6 + 4 × 2, ठीक है, अच्छा इसके पहले मैं अगर इस तरीके से लिखूं 3 + 5 + 2, इसका आंसर कितना होगा ये बताइए जल्दी से। अगर मैं लिखूं 3 + 5 + 2, इसका आंसर कोई बता सकता है क्या, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में लिख के, ठीक है। तो इसका आंसर 10 आएगा। और देखिए यहां पर बॉडमास का नियम नहीं लगेगा, यहां पर बॉडमास का नियम क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी संक्रियाएं हैं, दोनों जगह पर प्लस लिखा हुआ है, यहां भी प्लस लिखा गया और यहां भी प्लस लिखा गया। लेकिन अगर अलग अलग होता, एक जगह प्लस एक जगह इंटू, जैसे कि अगर मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं 6 + 4 × 2, तो यहां पर इसका आंसर बताइए क्या करोगे, तो अभी सीखना है आप। तो यहां पर क्या है, प्लस है, ये वाला प्लस है और ये वाला इंटू है, तो पहले आप एडिशन करोगे कि पहले मल्टीप्लीकेशन करोगे, पहले आप जोड़ोगे या पहले गुना करोगे, तो आप बोलोगे सर बॉडमास क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बॉडमास क्या कहता है, पहले एम आया तो पहले मल्टीप्लीकेशन करो, बाद में एडिशन करो, ठीक है, पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो वहां से आप कह सकते हो 6 + 4 × 2 अगर कहा जा रहा है, तो पहले 6 + 4 और 2 की गुना कीजिएगा, यहां पर से 8 आएगा, 6 8 14 आंसर आएगा, क्लियर, 6 + 8 14 आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो सही होगा क्या ये बताइए, 6 + 4 × 2 को अगर कोई इस तरीके से लिख दे 10 × 2 = 20, ये सही है या गलत है, ये वाई है, बताइए सही है तो वाई लिखे, गलत है तो एन लिखिए। नीचे वाले के बारे में पूछ रहा हूँ, ये वाला सही है या गलत है, तो आप बोलोगे सर ये गलत है ना, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पहले गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जब भी आए ब्रैकेट सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है,
उसके बाद ओ को अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, भाग रहेगा तो भाग देना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ऑड मास का नियम यही करता है, जो ऑर्डर है वही ऑर्डर में करना। अगर एक से ज्यादा रहेगा है ना, दो तीन रहेंगे, तो जो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है वो सबसे पहले करेंगे, ठीक है? इसी ऑर्डर में बढ़ना है, पी से एस की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। इतना क्लियर हुआ? और उदाहरण से करें। चलिए, तो अभी क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करके बताइए। 4 + 3 × 7, इसका आंसर कितना होगा? जल्दी से बताइए। 4 + 3 × 7 अगर मैं लिख रहा हूं, ये बताइए जल्दी से। यहां पर से आंसर आ रहे हैं 25। चलिए, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ये बताइएगा सही है या गलत है। मैं दो सॉल्यूशन लिख रहा हूं, बताइएगा कौन सा सही है। मैं लिख रहा हूं 4 + 3 × 7 को अगर मैं ऐसे लिखूं, 7 × 7 = 49, ठीक है? और मैं बी में लिख रहा हूं, बी में लिख रहा हूं 4 + 3 × 7 को 4 + 21, और यहां से मैं लिख रहा हूं 25। तो कौन सा सही है, ए वाला सही है या बी वाला सही है? ए वाला सही है या बी वाला सही है? तो आप बोलोगे सर बी वाला सही है। क्यों बी वाला सही है? तो ध्यान से देखिएगा अब, ठीक है? तो बी वाला इसलिए सही होगा क्योंकि तो आपको पता है कि यहां पर क्या है, एडिशन है, जोड़ है, जोड़ को ए से लिखते हैं, एडिशन। ये क्या है, गुना। गुना को क्या कहते हो, मल्टीप्लीकेशन। ये बताओ पहले ए आता है या पहले एम आता है बॉर्ड मास में, ये मुझे बताओ। बॉर्ड मास में पहले क्या आता है, पहले ए आता है या पहले एम आता है? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले एम आता है, पहले एम आता है, एम के बाद ए आता है। तो पहले एम आ रहा है तो पहले आपको गुना करना होगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप बोलोगे सर 4 + 3 × 7 में क्या करेंगे, पहले आपको गुना करना पड़ेगा, ये वाला पहले होगा। तो आप बोलोगे 4 + 3 × 7 = 21, और यहां से जोड़ के आप बोलोगे 25। ये आंसर है। इतना क्लियर है, ये समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, यही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग। अगर मैं फिर से लिखूं 4 + 3 × 7, लेकिन इस बार ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, अब क्या करूं ये बताइए, इस बार क्या आंसर होगा? अगर मैं 4 + 3 × 7 लिखूं और 4 + 3 को ब्रैकेट में लिखूं, ठीक है, यहां पर क्या हो, क्वेश्चन सेम है। पिछले बार देखो इस तरीके से लिखा गया था 4 + 3 × 7, लेकिन अब क्वेश्चन ये है ना, ब्रैकेट लगा दिया गया। तो जब ब्रैकेट लगा दोगे तो यहां पर देखो सबसे पहले दिख रहा है ब्रैकेट, ठीक है? तो बॉर्ड मास में अगर बॉर्ड मास को आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं पहले आपको वही सोल्व करना पड़ेगा। इस बार आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर यहाँ एडिशन है, यहाँ गुना है, तो पहले गुना करेंगे, ऐसा नहीं करोगे, पहले गुना नहीं करोगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्योंकि बी सबसे पहले है। तो यहाँ पर आप 4 + 3 को जोड़कर लिखोगे 7, ठीक है? 7 × 7, और यहां से आ जाएगा हमारा 49। ये क्लियर है? इस बार ब्रैकेट को पहले सॉल्व क्यों किया, क्योंकि बॉर्ड मास में सबसे पहले बी आता है। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है? चलिए, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन यहां पर लिखे गए हैं, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वाई लिख के बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेके वाई लिख के बता दो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है और वाई लिख, तभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ूंगा। ले लिया तभी ने? और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन कीजिए। 45 - 36 / 9, मतलब 45 में 36 घटा के भाग 9 लिखा हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तो आंसर आने लगे, तो आप बोलोगे 45 - 36 / 9, ठीक है? तो माइनस को आप क्या लिखते हो, माइनस को आप एस लिखते हो, ठीक है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है? भाग को आप क्या लिखते हो, डिवीजन, जिसको डी। मुझे बस इतना बता दीजिए कि पहले बॉर्ड मास में डी है या पहले एस है, पहले कौन है, पहले डिवीजन होगा या पहले सब्ट्रैक्शन होगा? तो बॉर्ड मास को आप देखोगे तो एस तो सबसे पीछे दिख रहा है ना, डी पहले आता है, तो पहले डिवीजन करेंगे, पहले भाग देंगे, उसके बाद घटाएंगे, ठीक है? तो यहां से आप बोलोगे सर
45 माइनस, अच्छा जब भी भाग रहेगा ना, एक चीज और मैं बता दूं, जब भी भाग रहेगा ए डिवाइडेड बाई बी लिखा हुआ रहेगा, तो इसको आप ऐसे लिख दिया करो, ए बाई बी आसान हो, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 15/5, तो इसको क्या लिखोगे, 15/5, ठीक है, 5 से फिर काटोगे 3 बार, क्लियर है। अगर मैं लिख रहा हूं 20/5, तो इसको क्या करोगे, 20/5, और यहां से लिख दोगे 4, 5 से 4 बार में कटेगा, क्लियर है। तो a डिवाइडेड बाई b को a बटा b लिखोगे आप, तो यहां से आप क्या करोगे, लिखोगे 36/9, ठीक है, 36 को 9 से भाग दोगे, यहां से बताओगे कितना आएगा, 9 से 4 बार में कटेगा ना, 9 चौके 36, 45 माइनस 4, और यहां से मिलेगा आपको 41 आंसर, क्लियर है। तो पहले का आंसर कितना आया, 41 आया, क्लियर है सभी को, इतना क्लियर तो बताइए, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, प्रश्न नंबर 2 जो लिखा हुआ है नीचे में, है ना, इस वाले प्रश्न को करके बताइए कितना आ रहा है, 45 माइनस 36 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 45 माइनस 36 ब्रैकेट में लिख दिया गया, वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ ब्रैकेट लिखा गया है इस बार, और आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बॉडमास में सबसे पहला अक्षर बी है जो ब्रैकेट को दिखाता है, तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करते, तो कितना आंसर आ रहा है ये बताइए। तो इस बार क्या करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये नहीं कहोगे पहले डिवीजन करेंगे फिर घटाएंगे, नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 45 में से 36 को घटाएंगे, तो 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 में से 36 घटाएगा तो 9 मिलेगा, 9/9, और 9/9 को 9/9 भी लिख सकते हो ना, 9/9, और 9/9 का वैल्यू कितना आएगा, 9/9 का वैल्यू कितना आएगा, 9/9 का वैल्यू कितना आएगा ये बताइए, 81 आएगा, 81 तो नहीं आएगा, एक आएगा, ठीक है, इसका आंसर एक आएगा। अब यहां पर अगर किसी का डाउट है, क्योंकि गलत आंसर आ रहे हैं काफी लोगों के, इसलिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझ, ठीक, कभी भी आपको सेम नंबर को डिवीजन करना हो, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो ए बटा ए, तो इसका वैल्यू एक होता है हमेशा, ठीक है। अगर मैं लिख दू 5/5, 5/5 का वैल्यू कितना होगा, एक होगा, समझ में आया, इतना क्लियर है, ये बताइए, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर कभी मैं लिख दू 12/12, इसका आंसर कितना आएगा, 12/12 कितना आएगा, तो अगर ऊपर और नीचे सेम लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू एक आएगा। कभी भी आपको अगर ऐसा लिखा हुआ है x/x, इसका मतलब एक है, ठीक है। कभी भी लिखा हुआ है 13/13, इसका वैल्यू एक है, क्लियर है, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर एक आया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन पूछूं, ये बताइए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ठीक है, तो आपके सामने है 18/18 - 12, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, 18 - 12 / मतलब भाग 3, इसका आंसर बताइए कितना आंसर होगा, टाइम लेना है, सॉल्व करना है कॉपी पे, सभी को, सभी लोग सॉल्व कीजिए, 18 - 12 / 3 कितना आएगा आंसर, किसी के आंसर गलत नहीं होने चाहिए, सभी को सीखना है, अगर ये नहीं सीखोगे तो आगे काफी प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बॉडमास एक बार लिख दे रहा हूं, ठीक है, BODMAS, ठीक है। तो यहां से आप क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे सर, डिवीजन पहले करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे, घटाएंगे बाद में, पहले डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप क्या होगे सर, इसको मैं लिखूंगा 18 - 12/3, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, इसको और सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 18 - 12/3 को आप क्या लिखोगे, 3 चौके 12 होता है तो 4 बार में कटेगा, 18 - 4, और ये हमारा दे देगा 14, क्लियर है, इतना क्लियर है। दो आंसर जिनका आ रहा था वो ध्यान दीजिएगा 14 है, सभी को समझ में आया तो जल्दी से वाई लिखिएगा, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए जल्दी से, समझ में आया तो वाई लिखिए। रवि आपका क्या डाउट है, रवि आपका अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करो, जल्दी से पूछ लो, रवि के नाम से जो बच्चे हो आप एन लिख रहे हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, जब तक आप पूछोगे नहीं पता नहीं चलेगा ना,
जल्दी से पूछ लीजिए क्या डाउट है, या राकेश के नाम से जो बच्चे हो, कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन से समझ में आ जाए, अभी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 + 4 भाग 2, ये बताइए 6 + 4 भाग 2 इसको कैसे करोगे, जल्दी से बताइए सॉल्व करके। 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या करोगे आप बोलोगे सर दो चीज है, एक तो प्लस है और एक भाग है। ठीक है, प्लस के लिए आप ए लिखते हो, भाग के लिए आप डी लिखते हो, डिवीजन और एडिशन। बॉर्ड मास में अगर मैं देखूं तो पहले डी दिखता है बाद में ए दिखता है, इस तरफ से पढ़ने को। ठीक है, पहले डी फिर ए, तो पहले डिवीजन होगा बाद में एडिशन होगा, तो पहले आप डिवीजन कर दो ना, पहले ये वाला पहले होगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे 6 + 4/2। ठीक है, बस यही देखना है पहले कौन सा करना है, तो यहाँ से आप बोलोगे 6 + 4/2 को आप लिखोगे 2 × 2 = 4 और यहाँ पर 2 आया और यहाँ से 8 आया, ये क्लियर है, इतना क्लियर है, बताइए समझ में आया तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मैं लिख रहा हूं 5 + 3 × 4 ये बताइए कितना होगा, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं 32, दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं 17, कौन सा सही होगा ए या बी, 17 होगा या 32 होगा। तो इस बार आंसर काफी लोगों के सही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो पहले क्या करोगे सर, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक चीज है हमारे प्लस, एक है गुना, बस ये डिसाइड कर लो कि पहले कौन सा करना है आपको। तो पहले आप देखोगे बॉर्ड मास, आप जैसे ही लिखते हो ना बार बार बॉर्ड मास ही देखना है, बॉर्ड मास में आप सबसे पहले देखोगे एम आता है पहले, मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, तो पहले गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले ये गुना कर दीजिए, है ना, तो आप यहाँ से लिखोगे 5 + 12 और यहाँ से मिलेगा 17, क्लियर है, इतना क्लियर है तो बताइए। यस सर, इतना क्लियर है। तो आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अब देखिए अगर एक से, यहाँ पर अभी क्या है दो दो ऑपरेशन वाला की, मतलब दो संख्या एक साथ आई, अगर दो से ज्यादा आ जाएगा तो क्या करोगे आप, अगर मैं ऐसे लिखूं 4 + 4 × 3 - 1। अच्छा किसी का माइक ऑन है, राकेश के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक बंद कर दो, इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब यहां पर देखिए 4 + 4 × 3 - 1 लिखा हुआ है, तो एक आपका प्लस है इसको आप ए लिखते हो, ठीक है एडिशन, ये गुना है जिसको आप एम लिखते हो, ये घटाव है जिसको आप सब्ट्रैक्शन यानी एस लिखते हो। ठीक है, अब बॉर्ड मास को अगर आप देखोगे तो बॉर्ड मास क्या करता है, सबसे पहले आपको गुना करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, है ना, तो इसको आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप गुना कीजिए यहाँ पर, है ना, तो आप बोलोगे सर 4 + 4 और 3 को गुना करोगे आप, 4 और 3 के गुना करके आप लिखोगे 12 - 1, इतना क्लियर है। पहले 4 × 3 = 12 क्यों लिखा, क्योंकि सबसे पहले गुना करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे या पहले घटाएंगे, पहले जोड़ोगे या पहले घटाओगे, पहले एडिशन करोगे या पहले सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आप बोलोगे सर पहले एडिशन करेंगे, क्योंकि ए पहले आता है एस बाद में आता है, तो यहां से आप बोलोगे 12 और 4 को जोड़ देंगे और लिखेंगे 16, 16 में से एक घटाना है और यहां से आ जाएगा हमारा 15 आंसर, ये समझ में आया, इतना क्लियर है तो बताइए, क्लियर है। चल अगर ये समझ में आया, अच्छा आयुष आपका डाउट है, आयुष का डाउट है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, सर समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है माइक बंद कर दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 4 + 4 × 3 - 1 यही वाला क्वेश्चन था ना। अब देखिए यहाँ पर तीन ऑपरेशन, एक है प्लस, ठीक है, एक है गुना
एक है माइनस। मैं यही बोल रहा था कि कभी भी डाउट हो ना, नहीं समझ में आया तो इस तरीके से आप पूछ लिया करो, ठीक है। जब तक आप पूछोगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, प्लस के लिए आप क्या लिखते हो, ए लिखते हो, गुना के लिए आप एम लिखते हो, मल्टीप्लीकेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन और ये सब्ट्रैक्शन। अब अगर बॉड मास को आप देखो, ठीक है, बॉड मास को देखो, बॉड मास में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले एम आ रहा है, मतलब सबसे पहले आप गुना करोगे, समझ में आया, सबसे पहले गुना करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चार और तीन को सबसे पहले मैं गुना करूंगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 × 12 माइनस से, क्लियर है। उसके बाद देखिए एम के बाद क्या आता है, इन तीनों में एम तो कर दिया मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद बचा हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले ए आएगा कि पहले एस होगा, तो आप बोलोगे सर पहले तो ए आ रहा है ना, पहले ए आ रहा है तो पहले जोड़ दोगे आप, है ना, पहले जोड़ दोगे तो 12 और 4 को जोड़ दीजिए, तो 12 और 4 को जोड़िएगा तो 16 मिलेगा, 16 में घटाना है तो यहां से 15 आएगा, है ना। अब बताइए, अब समझ में आया, अब क्लियर है। हाँ, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 6 × 7 माइनस 4 × 8, ठीक है, 4 × 6 = 7 माइनस 4 × 8, ये बताइए आप कैसे करें। देखिए यहां पर दो चीज है बस, एक है गुना, ठीक है, एक है माइनस, ठीक है। तो गुना के लिए आप एम लिखते हो, सब्ट्रैक्शन है तो इसके लिए आप एस लिखते हो, घटाने के लिए एस लिखते हो। तो बॉड मास को अगर आप देखते हो तो बॉड मास में आपको क्या दिखता है, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर घटाएंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कौन सा करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 6 = 42 दिखेगा आपको। फिर यहाँ माइनस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, और ये 8 × 4 कितना होगा, ये 8 × 4 = 32 होगा, ठीक है, और 42 में से आप 32 घटाओगे तो यहाँ से मिलेगा हमारा 10 आंसर। इतना क्लियर है, पहले 6 × 7 गुना किया, फिर 8 × 4 को गुना किया, बाद में घटा दिया, ठीक है। चल और क्वेश्चन दू, चल और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 × 6 - 1, इसको सॉल्व करके बताइए। 2 + 3 × 6 - 1, इसको सॉल्व करके बताइए कितना है, और जो जो भी आंसर आएंगे मैं साइड में लिखते चलूंगा। एक आंसर आया है 19, ठीक है, अच्छा सभी के 19 आंसर आ रहे हैं, सभी के 19 आंसर आ रहे हैं, चलिए चेक करते हैं, हो सकता है 19 सही आंसर हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या क्या दिखा, सबसे पहले मुझे प्लस दिख रहा है, फिर गुना दिख रहा है, फिर माइनस दिख रहा है। प्लस के लिए मैं ए लिखूंगा, गुना के लिए मैं एम लिखूंगा, माइनस के लिए मैं एस लिखूंगा। बॉड मास को अगर मैं देखूं तो बॉड मास को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि सर सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये वाला पार्ट सबसे पहले होगा, सबसे पहले यहां पर हम करेंगे। तो 2 + 6 × 3 से गुना करोगे, यहां से 18 मिलेगा, ठीक है, माइनस 1 हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले जोड़ोगे या पहले घटाओगे, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन तो हो गया, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन पहले आता है, तो पहले ए आता है बाद में एस आता है, है ना, तो पहले जोड़ोगे आप, तो 18 में 2 जोड़ दो, 18 में 2 जोड़ोगे तो यहां से मिलेगा 20 - 1 = 19, ठीक है। कितना क्लियर है, ये समझ में आया तो जल्दी से यस लिखिए, समझ में आया तो जल्दी से यस लिखिए। अब देखिए यहां पर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं, क्वेश्चन यही है, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन यही रहेगा, मैं थोड़ी सी चीज को चेंज कर रहा हूँ, मैं यहां पर एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ और एक ब्रैकेट यहां पर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए क्या होगा इसका, वही क्वेश्चन है, बस ब्रैकेट लगा दिया, अब क्या होगा, अब बोलोगे सर बॉड मास में सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है, इस बार सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। तो आप बोलोगे सर 2 और 3 को ब्रैकेट के अंदर वाला चीज सबसे पहले सोल्व करेंगे, 2 और 3 को जोड़ के लिखा 5, ठीक है, फिर यहाँ पर गुना है तो ये गुना मैं लिख दिया, फिर ये 6 × 1 को मैं लिख दिया 5, सॉरी 6 - 1 को लिख दिया 5, 6 में से 1 घटाया 5 लिख दिया, और 5 और 5 को गुना किया 25 आ गया। इतना क्लियर है,
देखो सेम क्वेश्चन था, पिछले बार 19 आया, सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया, आंसर बदल गया, समझ में आया? तो ध्यान देना है कि पहले क्या करना है, ठीक है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये कीजिए पहले, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 96 डिवाइडेड बाय, भाग देना है 12 से, उसके बाद लिखा हुआ है गुना 4, फिर लिखा हुआ है प्लस 8, ठीक है? ये क्वेश्चन करिए, इसमें भाग है, गुना है और प्लस है, तो भाग के लिए आप डिवीजन लिखते हो, गुना के लिए आप मल्टीप्लिकेशन लिखते हो, और प्लस के लिए आप एडिशन लिखते हो, है ना? और बॉड मास को अगर आप देखोगे तो बॉड मास को देख के आपको ये पता चलेगा कि सबसे पहले डी आ रहा है, पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, इसी ऑर्डर में जाना है आपको। तो आंसर यहाँ पर 40 आ रहे हैं काफी लगे, और कुछ के आंसर 25 भी आ रहे हैं, देखते हैं कौन सा आंसर। चलिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप बोलोगे कि सर बॉर्ड मास को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सबसे पहले डी करेंगे, डिवीजन सबसे पहले, है ना? डिवीजन सबसे पहले होगा, तो 96 की 12 से भाग लगाओगे, तो आप लिखोगे 96 बटा 12 गुना 4 प्लस 8, ऐसे लिख दिया। अभी आपको बताया गया था कि ए भाग बी लिखा रहेगा, तो आप उसको ए बटा बी लिख दीजिए, ठीक है? अब यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 96 की 12 की आप टेबल पढ़ोगे तो कितने बार में कटेगा 96, बताइए? 12 की टेबल पढ़ोगे तो 96 कितने बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा, वेरी गुड। तो 12 8 96, है ना? तो यहां से मिला 8 गुना 4 प्लस 8। अब मुझे ये बताओ कि पहले मैं गुना करूं या पहले मैं जोड़ दूं, पहले गुना करेंगे पहले जोड़ेंगे, एम या ए, पहले ये बताइए। डिवीजन का तो काम हो गया हमारा, अब मुझे बताइए इन दोनों में पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे या पहले एडिशन करेंगे? तो आप बोल दो कि पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सर बॉर्ड मास में पहले एम आता है बाद में ए आता है ना, तो आप पहले गुना कर दोगे, तो 8 गुना 4 करोगे 32, 32 प्लस 8 लिखोगे और यहाँ से 40 लिखोगे, है ना? पहले जोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है? तो ये सीखना बहुत जरूरी है कि पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, ठीक है? इतना क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इसमें बस एक मैं ब्रैकेट अगर लगा दूं, क्वेश्चन सेम है, देखो क्वेश्चन में सेम रख रहा हूं, बस मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज करके इस वाले पार्ट में ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको सॉल्व करके बताइए, अभी भी आंसर 40 होगा क्या या बदल जाएगा? अब कितना आंसर आएगा, अब बताइए कितना आंसर आ रहा है? जो भी आंसर आएगा मैं यहां पे लिखूंगा, तो अब आंसर आ रहा है 96, एक आंसर आया है 96, सभी के 96 आ रहे हैं क्या? ठीक है, सभी के 96 आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो 96 सबसे पहले क्या सोल्व होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है? फिर से मैं लिख दे रहा हूँ बॉर्ड मास, सबसे पहले मुझे बी दिखता है, सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूँ 12 डिवाइडेड बाई 12 गुना, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है इसको सबसे पहले आप सोल्व करोगे और 8 और 4 को जोड़कर लिख दोगे 12, क्लियर है इतना? उसके बाद पहले डिवीजन करोगे या पहले गुना करोगे? अच्छा किसी का माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर दो, ये बताइए पहले डिवीजन करेंगे या पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले डी या पहले एम, ये बताइए पहले डी या पहले एम? तो आप बोलोगे सर पहले डी दिख रहा है बाद में एम दिख रहा है, पहले डिवाइड करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? पहले भाग देंगे फिर गुना करेंगे, तो यहां से आप बोलोगे 96 बट्टा 12 गुना 12, ठीक है? यहां से आप क्या करोगे, 12 को 96 से काटोगे 8 बार में कटेगा, यहां से दिख रहा है 8 गुना 12 और 12 8 96, आंसर 96 आया। तो यहां से देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीखा, यहां से ये सीखा कि बॉड मास का नियम एक बार में जल्दी से रिपीट करके रहा हूं। सबसे पहले तो ये देखा कि बॉड मास एक वर्ड है, इसके ही ऑर्डर में हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में करेंगे, ठीक है? उसके बाद अच्छा क्वेश्चन अब पोल सेक्शन में करेंगे, रोहतास के नाम से, ठीक है? अब पोल सेक्शन में करेंगे। उसके बाद एक चीज और आपने देखा कि सेम क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट लगा दिया जाए तो आंसर बदल जाता है ना, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है?
ब्रैकेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी अलग अलग प्रकार के ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे, ठीक है। और फिर ऑफ के बारे में भी हम लोग आज नहीं देखें, तो ऑफ के बारे में भी आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी दिखेगा, आंसर पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ देर के लिए अगर मेरी स्क्रीन ना दिखे, ठीक है, थोड़ी देर वेट करना है आपको, फिर जैसे ही स्क्रीन दिखेगा मुझे बताइएगा, ठीक है। स्क्रीन दिखेगा तो चैट सेक्शन में लिख के बताइए। दिखाई देने लग गया सर स्क्रीन। ठीक, चलिए दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। अभी मैं आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना, ठीक है, ट्राई कीजिए। और जितने भी बच्चे हो सभी लोग ट्राई करो कि आंसर पोल सेक्शन में जरूर दो। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि पोल में आंसर करने से आपको मुझे पता चलेगा कितने बच्चों ने सीखा है ना। देखिए क्या होगा आंसर, 24 माइनस 4 डिवीजन 4, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, भाग दोगे कि घटाओगे? सभी के आंसर आना चाहिए। अच्छा, अभी आप चैट सेक्शन में कुछ नहीं लिख पा रहे होगे, फिर चैट आपका बंद है, पोल सेक्शन जैसे ही एंड होगा फिर चैट ऑन कर दूंगा, ठीक है। काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड, लेकिन सभी के आंसर नहीं आए। जैसे ही सभी लोग आंसर देंगे मैं पोल एंड करूंगा, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिए, 10 सेकेंड्स और रुकते हैं, ठीक है, आखिरी 10 सेकेंड और, फिर एंड करके डिस्कस करेंगे। और जैसे ही चैट ऑन करूंगा सबसे पहले मुझे ये बताइएगा लिख के कि पहले डिवीजन करेंगे कि मल्टीपल घटाओ करेंगे, ठीक है, चैट में लिखना है, माइक नहीं ऑन करके बता। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल एंड कर दे रहा हूँ और चैट में बताइए पहले आप डिवाइड करोगे कि पहले घटाओ, अभी तो बस इतना बताइए। तो आप कहोगे पहले सर डिवीजन करेंगे, है ना, पहले पहले डिवीजन करेंगे, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अच्छा आंसर कितना आया सभी का, 24 माइनस 4 भाग 4। तो ये बताइए, ऐसा अगर मैं कह रहा हूँ मुझे एक बात बताइएगा, आंसर सही, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए। मैं लिख दिया 20, 24 की मैं 4 से घटा के 20 लिख दिया, 20 भागा 4 लिखा, और मैं फिर कह रहा हूँ 20 बटा 4, और यहां से मैं कह रहा हूँ 5, तो आंसर हमारा ए सही होगा। ये सही है या गलत है, इतना बताइए, इतना लिखना सही होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि पहले मैंने घटा दिया, पहले घटा नहीं सकते थे, यही तो सीखना था ना, ये रॉन्ग है। वेरी गुड कि आप सभी ने समझ गए, ठीक है, कि हम मैंने गलत किया, ठीक है। तो क्या करना है, 24 माइनस 4 भाग 4 है, तो पहले आपको डिवीजन करना होगा, है ना, क्योंकि बॉडमास में अगर देखो तो डी और एस पहले डी आता है, वेरी गुड, है ना। तो आप लिखोगे 24 माइनस 4 भाग 4, है ना, ए बटा बी, इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ए बाई बी लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे 24 माइनस 1, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 23। तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, क्लियर है, इतना क्लियर है सभी का? ये बताइए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़े, चलिए तो अगला क्वेश्चन है फिर से आपके सामने, इसको ट्राई कीजिएगा जल्दी से, ठीक है, क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 + 3 × 3, काफी आसान सा क्वेश्चन है। पोल सेक्शन में करना है सर या फिर चैट सेक्शन? हाँ, पोल से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पोल में आंसर देना है, ठीक है। देखो पोल अभी लॉन्च किया है, और जब भी पोल क्वेश्चन पोल लॉन्च होगा चैट देखना खुद ब खुद बंद हो जाता है, अब चैट में भी कुछ नहीं लिख पाओगे। अच्छा अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए, सभी लोग का सही आंसर होना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन। 12,
अच्छा ठीक है, माइक नहीं ऑन करके आंसर देना। सबसे पहले तो यही बोला गया, माइक नहीं ऑन करना। देखते हैं 12 आंसर होगा या कुछ और होगा। 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड और। बारह आंसर फाइव आएगा सिर्फ। सेकेंड और। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है। चैट के बारे में बताना आपको, राकेश और अजीत के नाम से जो बच्चे हैं, पोल सेक्शन के बारे में पता है आपको। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखिए आपका चैट ओपन है। अगर पोल में आप आंसर नहीं कर पाते हो तो चैट में लिखिए। अब देखिए आंसर क्या है, 3 + 3 × 3। काफी आसान सा क्वेश्चन है, 3 + 3 × 3। यहां पर दो चीज है, प्लस है जिसको आप ए लिखते हो, गुना है जिसको एम लिखते हो। पहले गुना करेंगे पहले जोड़ेंगे, ये बताइए, पहले गुना करेंगे पहले जोड़ेंगे, एम या ए? तो आप बोलोगे सर पहले मल्टीप्लिकेशन आता है बॉर्ड मास में, बॉर्ड मास का अक्षर में पहले एम आता है बाद में ए आता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, काफी आसान है। तो पहले ये वाला पहले कर देंगे, यहां से आप बोलोगे 3 × 3 = 9, और 3 को 9 से जोड़ा 12 मिल गया, तो आंसर हमारा डी होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया? इतना क्लियर तो बताइए, एक क्वेश्चन और दूंगा। इसमें पहले गुणा होती है ना। हाँ पहले 3 की 3 से गुना किया, ये समझ में आया ना, पहले 3 की 3 से गुना किया। क्यों? पहले एम आता है बाद में ए आता है, जोड़ते बाद में, समझ में आया? ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई कीजिए। मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, पोल सेक्शन आपका। चलिए पोल में आंसर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको देखिए आप कैसे आंसर करो। 8 मतलब 2 से ज्यादा संक्रिया है, मतलब 8 - 7 + 6 × 4। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे? सभी लोग को आंसर करना है, बिल्कुल अभी समय है आपके पास, कॉपी पे सॉल्व कीजिए। और जिनका पोल नहीं आता है वो क्या करेंगे, अभी सॉल्व कीजिए आप, जैसे ही चैट ऑन होगा फिर चैट में आंसर कर दीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन के आंसर अभी तक कम आए, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। आंसर करिए सभी लोग। ठीक है अब आंसर आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है वेरी गुड। तो 15 सेकंड और होते हैं, ठीक है 15 सेकंड और दे रहा हूँ। और जिनको भी पोल के बारे में नहीं पता है, आज क्लास के एंड में रुक जाइएगा, क्लास के एंड में पूछकर क्लास लेफ्ट कीजिए, ठीक है? ठीक है अब काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। 10 सेकंड और रुकते हैं, आखिरी 10 सेकंड और है। अगर अब तक नहीं आंसर किया हो तो जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में आंसर करो। पांच सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको अब समझते हैं। अब यहां देखिए तीन तीन ऑपरेशन एक साथ आ गए, 8 - 7 + 6 × 4, है ना, 8 - 7 + 6 × 4। अब यहां पर देखिए तीन ऑपरेशन है, माइनस जिसके लिए आप एस लिखते हो, प्लस जिसके लिए आप एडिशन ए लिखते हो, गुना जिसके लिए आप एम लिखते हो। तो बॉर्ड मास को अगर आप देखो तो बॉर्ड मास को तो याद ही रखना है, बॉर्ड मास में पहले एम आता है फिर ए आता है फिर एस आता है, मतलब पहले गुना करना होगा, पहले गुना करूंगा फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ठीक है?
तो MAS, वेरी गुड, साहिल के नाम से जो बच्चे एकता, ठीक है आपका आंसर बिल्कुल सही है, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सबट्रैक्शन, पहले गुना करिए, तो इसकी सबसे पहले मैं गुना करूंगा, तो आप क्या लिखोगे, 8 माइनस 7 प्लस 6 गुना 4 कितना होगा, 6 गुना 4 24 होगा, ना क्लियर है, 6 गुना 4 24 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अब पहले जोड़ेंगे, ठीक है किसको जोड़ेंगे, देखो 8 पॉजिटिव है हमारा, धनात्मक है, 8 पॉजिटिव है, 8 के पहले कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, और 24 पॉजिटिव है, तो 8 और 24 को सबसे पहले आप जोड़ दोगे, है ना, 8 को 24 से आप जोड़ दोगे और 7 को बाद में लिख दोगे, है ना, आप इस तरीके से लिख सकते हो, 8 प्लस 24 माइनस 7, ठीक है, तो यहाँ से 8 और 24 को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 8 और 24 के जोड़ के बताइए कितना मिल रहा है आपको, 32 मिल रहा होगा, तो इसको जोड़ोगे तो 32 मिलेगा, और 32 में से 7 घटाना है, 32 में से 7 घटाओगे तो यहाँ से 25 मिल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्लियर है, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग यही करेंगे ना, 24 और 8 को पहले जोड़ेंगे, पहले जोड़ा फिर घटाया, क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है तो बताइए चैट सेक्शन में। अच्छा राकेश के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो क्या डाउट है आपका, ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, अगर कोई भी डाउट है तो अभी रुक के आप डाउट पूछ लेना, डाउट पूछ कर ही आप लेफ्ट करना,